लेकर कांग्रेस वालों का बंधन करता हूं मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अभिनंदन। मोदी जी करेंगे 2019 को विरोधियों का रणकंदन। मोदी जी करेंगे 2019 में विरोधियों का रणकंदन और बांट देंगे 130 करोड़ लोगों को विकास का सुगंधी चंदन। अध्यक्ष महोदया, राहुल को लग गई है चाहूल। राहुल जी को लग गई है चाहूल। 2019 का नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है माहौल। राहुल जी बोलते हैं ये है जुमला। राहुल जी बोलते हैं ये है जुमला, लेकिन उनको मालूम नहीं है ये है बीजेपी की कमला। ये नहीं है असली जुमला, ये नहीं है असली जुमला। नरेंद्र मोदी जी करेंगे कांग्रेस पर 2019 में हमला। अध्यक्ष महोदया, आज मुझे बहुत ही अच्छा हो रहा है फील। अध्यक्ष महोदया, आज मुझे बहुत ही अच्छा हो रहा है फील, क्योंकि लोकसभा में पास हो रहा है सवर्ण आरक्षण का बिल। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हिल। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हिल, क्योंकि राफेल में बिल्कुल नहीं हुआ है गलत डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चालाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चालाक, इसलिए संसद में बिल आया है सवर्ण आरक्षण और 3 तलाक। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है एक नई ही झलक। अब मत दिखाओ राहुल गांधी गलत फलक। नरेंद्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण। नरेंद्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण, इसलिए मिल रहा है सवर्णों को आरक्षण। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं देश का रक्षण। राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे देश का रक्षण। 2019 में कांग्रेस का हो जाएगा भक्षण। राहुल जी, मोदी जी के साथ मत खेलो गलत चाल। राहुल जी, मोदी जी के साथ मत खेलो गलत चाल, नहीं तो तुम्हारा बहुत हो जाएगा 2019 में बुरा हाल। समझ गया मैं। राहुल जी का बर्थडे आज है, कल है क्या? हाँ तो ठीक है। हाँ तो मतलब राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है, और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला, इसीलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है। आपकी सत्ता बहुत साल तक रही, जब आपकी सत्ता थी तब मैं आपके साथ था। और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है।
हो गया। और इसीलिए ठीक है, तो लोकतंत्र में होता है, मतलब आप लोगों ने भी कोशिश की, मोदी साहब ने कोशिश की, हमने भी कोशिश की, को न्याय देने का काम करेंगे, सभी राज्यों को न्याय देने का काम करेगी। इसीलिए हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, 5 साल होने के बाद और 5 साल चलेगी और बाद में 5 साल चलते रहेंगे, मतलब हम इतना अच्छा काम करते रहेंगे। हम अच्छा काम करते रहेंगे तो हमारी सरकार आती रहेगी, हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुम आ जाओ लेकिन हम तुमको जल्दी नहीं आने देंगे। स्पीकर महोदया, आज 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, आठवले जी, एक तरह का अविश्वास का प्रस्ताव आया था, तो आज मतलब राहुल गांधी जी ने बहुत डेसिंगली भाषण किया और आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी के गले को मिलाया गला। आज राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के गले को मिलाया गला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास है कांग्रेस को हराने की कला। कांग्रेस ने पूरे किए थे सत्ता में 51 साल अभी, हाँ, कांग्रेस ने पूरे किए थे सत्ता में 50, 51, 55 साल, तब उन्होंने कमाया है बहुत ही माल। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था बहुत बड़ा कमाल, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था बहुत बड़ा कमाल, इसलिए देश में हो रहा है विकास का धमाल। कांग्रेस का आज देश में ठीक नहीं है हाल, कांग्रेस का देश में आज ठीक नहीं है हाल, इसलिए नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे 2019 का साल। और अभी ये अपनी मैच जो है, मैच का अभी जज्बे मतलब निकाल आने वाला है, और जो 2020 मैच है, राहुल गांधी जी ने आज अच्छे रन निकाले हैं, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी की बारी है, और नरेंद्र मोदी जी हमारी टीम के कैप्टन है, वो विराट कोहली है, वो एक बार मतलब नरेंद्र मोदी जी विराट कोहली है, मैं भी एक प्लेयर हूँ, हमारे राजनाथ सिंह जी टीम के मेंबर है, बहुत सारे लोग है, हो गया। तो हमारी जो टीम है, बैठो जी, धन्यवाद जी, नहीं हमारी जो टीम है, धन्यवाद रामदास जी, मैं थोड़ा सुनो, मैं कुछ तुम्हारे विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्रिकेट की मैच खेल रहा हूँ, मैं यहाँ मतलब क्रिकेट की मैच है, इधर अभी जीतने का वक्त आ गया है, अभी आपने रन निकाले हैं, अभी उससे डबल रन निकालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और मोदी साहब डबल रन निकालेंगे जी, रामदास जी, धन्यवाद, खड़ा हूँ, और रन जितने कम हो जाएंगे उतने रन निकालने की कोशिश हम भी करेंगे। हाँ रामदास जी, भूल गए मैं, हाँ रामदास मेरी पार्टी नहीं, वो सेकेंडर भी है ना, सेकेंडर भी, प्लीज, ये आपका कितना समर्थन है, देखिए, हाँ बोलिए, हाँ गर्मन सर, प्लीज, आरपीआई की तरफ से हरिवंश को मैं देता हूँ शुभेच्छा, हरिवंश राय को मैं आरपीआई की तरफ से देता हूँ शुभेच्छा, और हाउस को अच्छा चलाओ, यही है मेरी इच्छा, मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, इसलिए मैं दे रहा हूं आपको शुभेच्छा। मोदी जी ने हरिवंश राव जी को दे दिया है मौका, राय को, मोदी जी ने हरिवंश राय को दे दिया है मौका, लेकिन हरि प्रसाद को कांग्रेस ने दे दिया धोखा। चलो चलो आगे बढ़िए, इस चुनाव में दोनों भी थे हरी,
हर गया प्रसाद हरी, चुनकर आ गया वंश हरी। ये कविता में ही समस्या विषय पाए के तो हरिओंश जी आप उधर चले गए हैं, हमें डर इस बात का है कि आप कब उधर जाएंगे और कब इधर आएंगे उसका पता नहीं है, लेकिन आज आप हमारे साथ है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप एक पत्रकार हैं, आप एक राजनेता भी है, सोशल वर्कर भी है और इस हाउस को चलाने के लिए आपको मौका दे दिया है। तो मैं हमेशा मतलब चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.